अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो इसमें कूलिंग का इशू है, तो इसका थोड़ा मैं आपको सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये पीसीबी लगी होती है, इसमें थर्मोस्टेट का भी काम करता है और टेम्परेचर पूरा करके ट्रिप भी करता है, ठीक है। और ये इसका स्विच है, ये एमसीबी लगी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये मेन जो है एमबीसी है, ठीक है, इसमें से जो है ना कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन को इस डिवाइस में भेजता है, ठीक है। इस डिवाइस में ये पीसीबी सर्किट लगा हुआ है, तो उसके बाद ये टैमर है, इसमें टैमर ऑन करने के बाद ये दो रिले लगी हुई हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये दो रिले है, ठीक है, एक लाइट के लिए रिले है और एक जो है वो कंप्रेसर को ऑन करा देती है, ठीक है। और ये अंदर इसके डीफ्रॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कूलिंग पूरी होती है तो जैसे ट्रिप कर जाता है, वो सिस्टम जो है वो इसी पीसीबी की वजह से कंट्रोल होता है, तो इसका कोई सिस्टम है। तो अगली मलमात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। इसका जो आप देख सकते हैं, इसकी गैस कम है, ये जो बैक प्रेशर बता रहा है वो 60 बता रहा है, ठीक है। बैक प्रेशर यानी रेफ्रिजरेटर बंद करने पे लो गेज में 60 प्रेशर बता रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रिपेयरिंग का पूरा तरीका कार समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।